तो मेरी वेलकम है तुम सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर, जिसके अंदर बात करेंगे पबजी लाइट के टीडीएम रूनेज के आउटसाइड एंड अंडरग्राउंड ग्लिच के बारे में। तो जैसा कि तुम सभी को पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था एंड उस वीडियो पर तुमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखा था, तो तुमको इसलिए दिल से थैंक यू एंड ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना है। एंड आज की इस वीडियो में सेम उसी ग्लिच के बारे में बात करेंगे, बिकॉज जो वीडियो था उस पर तुम्हें से कुछ भाई ने कमेंट करा था कि मेरे साथ में ग्लिच नहीं हो रहा, क्या ये ग्लिच फिक्स हो गया। तुम सभी क्वेश्चन का आंसर भी करूंगा, प्लस ये जो ग्लिच है तुमने को कैसे कर सकते हो उसके बारे में फुल एक्सप्लेन करा है आज की इस वीडियो में। तो अगर तुम लोग इस ग्लिच को करना चाहते हो तो तुमसे इस बार छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। तो जान तुम्हें से कुछ लोगों ने बोला था कि जो भी टीडीएम रूनेज का आउटसाइड ग्लिच है वो भी फिक्स हो चुका है एंड वो काम नहीं कराने की वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी मैं तुम लोग को इसको भी करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो भी तुम लोग को ग्लिच करना है तो तुम लोग को कुछ इधर की साइड आ जाना है। अगर इधर से तुम लोग का अगर हाउस आता है तो अभी तुम इस वाले ग्लिच को कर पाओगे। तो ऐसे तुम लोग अगर इधर की साइड आ जाते हो देन यहाँ पे तुम लोग को सामने की तरफ जो का एक देखने को मिल जाएगा सीढ़ी, जहाँ तुम लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हो वही तुम लोग को एक पत्थर भी देखने को मिलेगा, जिसको कि मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तुम लोग को छोटा सा पत्थर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे तुम लोग को जंप एंड कैसे जंप करना है वो मैं तुम लोग को अभी दिखाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैक आता हूँ, देन यहाँ से मैं जाता हूँ सिर्फ जंप करता हूँ एंड जंप करते देख सकते मैंने यहाँ पे जंप करा एंड मेरे से यहाँ पे ग्लिच नहीं हुआ। मैं अगेन एक बार और ट्राई करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने जैसे जंप करा एंड मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे टिप यही है कि तुम लोग का जो पिंग है यहाँ पे 120 या फिर उससे नीचे या फिर 130 तक का पिंग होना चाहिए। एंड जंप कैसे करना है वो तो तुमने देखा ही कि एंड अभी मैं तुम लोग को स्लो मोशन में दिखाता हूँ। तो अभी देख सकते मैं सिंपल से यहाँ पे बैक आ चुका हूँ एंड यहाँ पे स्लो मोशन में मैं जा रहा हूँ। एंड जो भी पत्थर होता है इस पर तुम लोग जैसे जाते तो देन तुम लोग यहाँ पे जंप पे क्लिक करना, सिर्फ एक बार ही क्लिक करना, ज्यादा क्लिक मत करना। एंड जैसे तुम लोग एक बार ही क्लिक करोगे एंड इसके बाद तुम लोग का जो भी ग्लिच यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी तुम सबने देख लिया जो भी टीडीएम का आउटसाइड ग्लिच है वो भी वर्किंग है, बहुत ही ज्यादा इजी वे में तुम लोग इसको कर ही सकते हो। एंड मैंने तुम लोग को बता दिया कैसे करना है, जो भी पत्थर होता है उसके साइड तुम लोग को कुछ किस तरीके से रनिंग करना है वो तो मैंने तुम लोग को वीडियो में देखा ही, सेम तुम लोग उस टाइम से रनिंग करना है। एंड पत्थर के साइड में तुम लोग जैसे जाते हो देन तुम लोग को सिर्फ एक बार जंप पे क्लिक करना है एंड तुम लोग अंदर चले जाओगे। एंड दोनों ग्लिच करते हो सेम उस टाइम पे तुम लोग का एक और टिप है कि तुम लोग का वो जो पिंग है स्टेबल होना चाहिए 120 से लेकर 30 तक, तब तुम लोग टेलीपोर्ट नहीं होंगे एंड जो भी तुम लोग का ग्लिच है एक बार में या दो बार में हो जाएगा। तो होप से तुम लोग को सबको समझ में आ गया होगा। एंड जो भी बोल रहे कि ग्लिच फिक्स हो गया, तो ऐसा नहीं, ग्लिच फिक्स नहीं हुआ है जब तक यार पबजी लाइट यानी कि बीजीएम लाइट नहीं आता एंड होप से कुछ बड़ा अपडेट नहीं आता पबजी लाइट के अंदर, तब तक ये कुछ फिक्स नहीं होगा। तब तक तुम जो भी ग्लिच है तुम लोग ट्राई कर सकते हो। फिलहाल तो ये कुछ आज की इस वीडियो में, होप तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड फ्यूचर में पबजी लाइट के रिगार्डिंग या फिर बीजीएम लाइट से रिलेटेड वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना है। एंड अगर किसी के साथ में ग्लिच नहीं होता है तो कमेंट करके बताना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार लाइव आऊँ एंड मैं तुम लोग को लाइव एक ग्लिच करके दिखाऊं एंड तुम लोग बताना अगर मैं लाइव आके करूँ या फिर ना करूँ, क्योंकि तुम लोग कमेंट खुला हुआ है एंड तुम लोग जाओ एंड बताओ एक प्रॉपर डे पे लाइव आएंगे एंड बताऊंगा। ठीक है, तुम लोग का जो भी ग्लिच है इस वीडियो को देखने के बाद 100% हो जाएगा, जो मैंने तुमको टिप बताया उसको फॉलो करो। एंड फिलहाल तो यही था कुछ आज किसी वीडियो में एंड मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।